नमस्कार, मैं हर नारायण, प्रवक्ता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। और हम आज बात करेंगे कीज एंड कपलिंग्स की। कीज एंड कपलिंग्स की किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, ये टॉपिक डिप्लोमा थर्ड ईयर का मशीन डिजाइन का है, ME 308। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ की, संग की, सैडल कीज, टेंजेंट कीज, राउंड कीज, स्प्लाइंस। इस प्रकार के हम पढ़ेंगे कि कई प्रकार की कीज कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कीज का इंट्रोडक्शन। ए की इज ए पीस ऑफ स्टील inserted between the shaft and hub or bosh of the pulley to connect these together in order to prevent relative motion between them. It is always inserted parallel to the axis of the shaft. Keys are used as temporary fastening and are subjected to considerable crushing and shearing stresses. A keyway is a slot or recess in a shaft and hub of the pulley to accommodate a key. Simple सा है कि key is the piece of steel. अगर steel के components में हम इसको use कर रहे हैं तो steel का बनी हुई होगी। कई बार हम ये भी देखते हैं कि पुराने टाइम में शाफ्ट और जो पुली होती थी वो लकड़ी की बनी हुई होती थी, तो उसके बीच में जो की लगा देते हैं वो भी लकड़ी की लगा देते हैं मोस्टली। आज के टाइम में ज़्यादातर कंपोनेंट्स स्टील के बने हुए हैं, एमएस के बने हुए हैं, या कहें कि मेटल्स के बने हुए हैं। कीज का प्रयोग शाफ्ट और हब या बॉस जिसको बोलते हैं उन दोनों के बीच में किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है कि अगर जब शाफ्ट घूमती है तो हमको पुली को घुमाना होता है और उसके बीच में जो रिलेटिव मोशन है उस रिलेटिव मोशन को रोकना, उस रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए हमको की इंसर्ट करनी पड़ती है ताकि शाफ्ट के साथ पुली घूम सके। ये प्रोसीजर रिवर्स भी हो सकता है, कई बार हमको पुली से या व्हील से शाफ्ट को घुमानी रहती है, लेकिन जो काम है की का वो सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जिस प्रकार से वो लगेगी, इंसर्ट की जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आएगा। कीज को लगाने के लिए हमें शाफ्ट पे और हब पे या बॉस पे की वे काटना पड़ता है, मटेरियल रिमूव करना पड़ता है, एक रेसेस काटना पड़ता है। वह रेसेस शाफ्ट के एक्सेस के पैरेलल होता है, या यूं कहें कि हब के जो एक्सेस है उसके पैरेलल होता है। हब की वे की मोटाई का हाफ शाफ्ट के अंदर कटा हुआ रहता है और हाफ की वे बॉस के मटेरियल से रिमूव किया जाता है। तो इस प्रकार से देखो, ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कीज एंड देयर एप्लीकेशंस, कैलकुलेट फोर्सेस ऑन कीज एंड डिजाइन कीज। कीज के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, उनके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, किस प्रकार से वो फेल होने की गुंजाइश रहती है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, क्रशिंग और शियरिंग में कीज फेल होती है। और थर्ड पॉइंट है डिजाइन ऑफ कीज, किस प्रकार से हम डिजाइन की करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कीज। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कीज आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू।
पहली है संघ की, सैडल कीज, टेंजेंट कीज, राउंड कीज एंड स्प्लाइंस। वी शैल नाउ डिस्कस द अबाउट टाइप्स ऑफ कीज इन डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शंस। सबसे पहले कीज की बात कर संघ की बात करें कि संघ की कैसी होती है। द संघ कीज आर प्रोवाइडेड हाफ इन द की वे ऑफ द शाफ्ट एंड हाफ इन द की वे ऑफ द हब और बॉस ऑफ द पुली और गियर। गियर भी हो सकता है, पुली भी हो सकती है। द संघ कीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। संघ कीज को भी फिर से क्लासिफाई किया गया है टाइप्स पे। रेक्टेंगुलर संघ की, संघ की का जो एक प्रकार है रेक्टेंगुलर संघ की। रेक्टेंगुलर संघ की इज शोन इन फिगर। द यूजुअल प्रोपोर्शंस ऑफ दिस की आर वेट ऑफ की W से नोटेशन नोटेट करेंगे इसको इक्वल्स टू D बटे 4 एंड थिकनेस ऑफ की T इक्वल्स टू 2W अपॉन 3 इक्वल्स टू D अपॉन 6 वेयर D इक्वल टू डायमीटर ऑफ द शाफ्ट और डायमीटर ऑफ द होल इन द हब। द की हैज टेपर 1 इन 100 ऑन द टॉप साइड ओनली। सो की रेक्टेंगुलर संघ की इस फिगर के अंदर दिखाई गई है। केस की जो मुख्य रूप से डायमेंशंस है वो उसकी विड्थ और उसकी मोटाई। मोटाई को यहाँ शो करेंगे टी से और विड्थ को शो करेंगे डब्लू से। जो डब्लू विड्थ ली जाती है वो डी अपॉन फोर डायमीटर अपॉन फोर। यहाँ जो डी है डायमीटर वो उस शाफ्ट के लेंगे जिस शाफ्ट पर ये की लगानी है या जिस हब के साथ में इसको प्रयोग करना है उसके साथ में उसकी डायमीटर हम यहाँ डी मानेंगे। तो विड्थ डी बटा फोर हो जाएगी और टी डी अपॉन सिक्स हो जाएगी रेक्टेंगुलर संघ की के अंदर। इसके अंदर एक टेपर भी प्रोवाइड किया जाता है एक फेस पे और जो टेपर रहता है उसके मात्रा 1 in 100 ऑन द टॉप साइड ओनली। टॉप साइड में 1 in 100 रहेगी। यहाँ दिखाया गया W, T और थिकनेस किस प्रकार से ये रहेगी, शाफ्ट पे किस प्रकार से फिट होती है। हाफ देखिए यहाँ शाफ्ट में हाफ फिट हो रही है। हाफ इस शाफ्ट के साथ लगने वाले हब जो कि पुली का हब हो सकता है या गियर का हो सकता है उसके साथ में फिट होगी। स्क्वायर संघ की, संघ की का दूसरा प्रकार। द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए रेक्टेंगुलर संघ की एंड ए स्क्वायर संघ की इज दैट इट्स विड्थ एंड थिकनेस आर इक्वल। सो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, विड्थ और थिकनेस बराबर की होगी स्क्वायर संघ की के अंदर। पैरेलल संघ की, द पैरेलल संघ की मे बी ऑफ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सेक्शन यूनिफॉर्म इन विड्थ एंड थिकनेस थ्रू आउट। इट मे बी नोटेड दैट ए पैरेलल की इज ए टेपरलेस एंड इज यूज वेयर द पुली गियर और अदर मैटिंग पार्ट इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड अलोंग द शाफ्ट्स। पैरेलल सिंह के अंदर कोई भी टेपर नहीं रहती है, ये स्क्वायर भी हो सकती है सेक्शन में और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। वहां पे उपयोग में की जाती है जहां पर पुली को या जो मैटिंग पार्ट है गियर वगैरह उनको बार बार स्लाइड करने हो, वो स्लाइड होते रहे शाफ्ट पे, तो वहां पैरेलल संघ की काम में आती है। गिव हेड की, इट इज ए रेक्टेंगुलर संघ की विद अ हेड एट वन एंड नोन एज गिव हेड। इट इज यूजली प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ की। ए गिव हेड की इज शोन इन फिगर्स एंड इट्स यूज इन शोन इन फिगर। देखिए गिव हेड की उसी प्रकार की संघ की का ही प्रकार है ये भी, लेकिन इसका एक एंड रहेगा, एक जो एंड रहेगा वो गिव हेड रहेगा। गिव हेड जो इस प्रकार के हेड को गिव हेड के नाम से जाना जाता है। ये जस्ट की को रिमूव करने के अंदर आसानी प्रोवाइड कराता है हमें। इसका यूज यहां दिखाया गया है गिव हेड की का शाफ्ट और ये हब इसके साथ में गिव हेड की का दिया। इसकी जो डायमेंशंस है वैसी की वैसी है W और T।
द यूजुअल प्रोपोर्शंस ऑफ द गिब हेड की आर विड्थ डी बटे फोर, थिकनेस टी डी अपॉन सिक्स, जिस प्रकार से यहाँ पैरेलल संघ की का था डी अपॉन सिक्स, क्योंकि की वही है, इसमें जो पैरेलल संघ की है उसका वन एंड को गिब हेड बना दिया गया, गिब हेड की जो डायमेंशन से यहाँ हमारे पास है। फीदर की, ये की अटैच्ड टू वन मेंबर ऑफ ए पेयर एंड विच परमिट्स रिलेटिव एक्सियल मोमेंट ऑफ द अदर इज नोन एज फीदर की, इट इज स्पेशल की ऑफ पैरेलल टाइप विच ट्रांसमिट्स ए टर्निंग मोमेंट एंड अलाउस परमिट एक्सियल मोमेंट, इट इज फास्टन आइदर टू द शाफ्ट और हब, द की बीइंग स्लाइडिंग फिट इन द की वे ऑफ ए मूविंग पीस। The feeder key may be screwed to the shaft as shown in the figure, or it may be double gib head as shown in the figure. The various proportions of a feeder key are same as those of rectangular shank key. यानि कि उसी का प्रकार की रहती है, लेकिन ये sliding के लिए काम में ली जा सकती है, जिस प्रकार से यहाँ दिखाया गया diagram के अंदर hub और shaft के जीत में feeder key लगाई हुई, सारी की सारी dimensions वहीं रहेगी। द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोपोर्शंस ऑफ स्टैंडर्ड पैरेलल टेपर्ड एंड गिब हेड कीज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड 2292, 2293, 1974 विच इज रिफॉर्म्ड 1992। ये वेरियस प्रोपोर्शंस है जो टेपर और गिब हेड के दिए हुए हैं, जो मार्केट में अवेलेबल रहती, शाफ्ट के डायमीटर के अकॉर्डिंग सारी की सारी, क्योंकि हमने देखा कि ऊपर शाफ्ट के डायमीटर के अकॉर्डिंग ही उसकी विड्थ और थिकनेस फिक्स की जाती है। तो 6 mm की, अगर यहाँ हम देखें 6 mm की डायमेट्रियल शाफ्ट है, तो जो की का क्रॉस सेक्शन होएगा उसकी विड्थ 2 mm, थिकनेस 2 mm, और 8 mm के लिए 3 mm, 3 mm, तो ये टेबल यहाँ दिखाई गई है। इसके बाद में आती है वुडरप की। द वुडरप की इज एन इजेंशियल एडजस्टेबल की, इट इज ए पीस फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल डिस्क हैविंग सेगमेंटल क्रॉस सेक्शन इन फ्रंट व्यू एज शोन इन द फिगर। ए वुडरप की इज कैपेबल ऑफ टिल्टिंग इन ए रेसेस माइल्ड आउट इन द शाफ्ट बाय कटर हैविंग द सेम कर्वेचर एज द डिस्क फ्रॉम विच द की इज मेड। This key is largely used in machine tool and automobile construction. तो ये की है, हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर एक सिक्का है, उस सिक्के के अंदर हम कुछ पोर्शन उसका काट लें और इस उसी प्रकार का आर्क अगर हम शाफ्ट में काटते हैं, तो वहां बैठाने के काम ये जो की बनेगी, दैट इज द वुडरप की। ये सेल्फ अलाइन की भी इसको कह सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट ये अपने आप कर लेती है। द मेन एडवांटेज ऑफ वुडरप की आर फॉलोज, इट अकोमोडेट्स इटसेल्फ टू एनी टेपर इन द हब और बोस ऑफ द मेटिंग पीस। जो भी मेटिंग पीस रहेगा हब और बोस के साथ में, जो शाफ्ट के साथ मेट करेगा, उसका जो एडजस्टमेंट्स है वो एडजस्टमेंट्स ऑटोमेटिक ये अकोमोडेट कर लेगी। इट इज यूजफुल ऑन टेपरिंग शाफ्ट एंड्स, इट्स एक्स्ट्रा डेप्थ इन द शाफ्ट प्रिवेंट्स एनी टेंडेंसी टू टर्न ओवर इन इट्स की वे। इसकी जो पलटी नहीं खा सकती, क्योंकि जो डेप्थ रहती है की वो काफी ज्यादा रहती है। डिसएडवांटेज, द डेप्थ ऑफ द की वीकन्स द शाफ्ट, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए फीदर, फीदर की तरह हम इसको काम में नहीं ले सकते, और इसकी जो एक्स्ट्रा डेप्थ है वो इसको कमजोर भी बनाती है। सैडल कीज, द सैडल कीज आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स, फ्लैट सेडल की एंड होलो सेडल की। फ्लैट सेडल की इज ए टेपर की विच फिट्स इन द की वे इन द हब एंड इज फ्लैट ऑन द शाफ्ट एज शोन इन द फिगर। इट इज लाइकली टू स्लिप राउंड द शाफ्ट अंडर लोड, देयरफॉर इट इज यूज फॉर कंपैरेटिवली लाइट लोड्स। हब और शाफ्ट के साथ में ये बैठेगी, तो जो शाफ्ट वाला फेस है वहां पे ये फ्लैट रहेगी, तो ये चांसेस रहता है कि
स्लिप मार जाए। तो लाइटर लोड्स के लिए, जो कम लोड्स पे साफ चल रही है, टर्निंग मोमेंट कम है, वहां के लिए हम इसको उपयोग में लेते हैं। होलो सैडल की इज ए टेपर की विच फिट्स इन ए की वे इन द हब एंड बॉटम ऑफ द की इज शेप्ड टू फिट द कर्व्ड सरफेस ऑन द शाफ्ट। सिंस होलो सैडल की होल्ड ऑन बाय फ्रिक्शन, देयर फॉर दीज आर सुटेबल फॉर लाइट लोड्स। इट इज यूजली यूज एज ए टेम्परेरी फास्टनिंग इन द फिक्सिंग एंड सेटिंग इसेंट्रिक कैम्प्स। देखा, इसके अंदर जो सेडल की के अलावा जो होलो सेडल की है उसमें ये अंतर रहता है कि इसका जो शाफ्ट वाला फेस रहता है वो कर्वेचर में रहेगा, वो कर्व में रहेगा। जिस प्रकार से शाफ्ट का कर्व है, उस कर्व के अंदर हम इसको फिक्स करेंगे, क्योंकि ये भी लाइट लोड्स के लिए यूज में ली जाती है। टेंजेंट कीज, द टेंजेंट कीज आर फिटेड इन ए पेयर एट राइट एंगल्स एज शोन इन फिगर सी। ईच की इज टू विस्टैंड टॉर्सन इन वन डायरेक्शन ओनली। दीज आर यूज इन लार्ज हैवी ड्यूटी शाफ्ट। टेंजेंट कीज पेयर के अंदर काम में ली जाती है। शाफ्ट एक तरफ रोटेट करोगे, क्लॉकवाइज रोटेट होगी, तो एक शाफ्ट का एक की काम में आएगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो अनदर के काम में आएगी, क्योंकि ये दोनों रोटेशंस के अंदर इस प्रकार की कीज काम में आती है। राउंड कीज, जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ राउंड की, द राउंड की एज शोन इन फिगर आर सर्कुलर इन सेक्शन एंड फिट इन टू होल्स डायरेक्ट ड्रिल्ड पार्टली इन द शाफ्ट एंड पार्टली इन द हब। दे हैव द एडवांटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एज देयर की वे मे बी ड्रिल्ड एंड रिम्ड आफ्टर द मेटिंग पार्ट्स हैव बीन असेंबल। राउंड कीज आर यूजली कंसिडर्ड टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर लो पावर ड्राइव्स। जिस प्रकार से संघ की इस काम में ली जाती है, जिसके अंदर हाफ की वे शाफ्ट में कट किया जाता है, हाफ हब में कर कट किया जाता है, इसमें भी क्या करते हैं कि मैटिंग पार्ट्स को मिला के और ड्रिल कर देते हैं, तो हाफ ड्रिल इसके अंदर हब में रहेगा, हाफ ड्रिल शाफ्ट में रहेगा। क्योंकि इसमें जो की वे काटना बहुत ईजी रहता है, दोनों मैटिंग पार्ट्स को मिलाया और ड्रिल कर दिया और इस की वे को हमने इंसर्ट कर दिया, तो ये लाइट लोड्स के लिए रहती है। और एक एडवांटेज ये रहता है कि इसके कीवी काटना इजी है। तो दीज आर द नंबर ऑफ कीज, इनके डिजाइन के बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। थैंक यू।